हर बच्चा एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में यूनिक होता है, किसी न किसी वजह से उसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। बट जिस देश के बारे में आज मैं बात करूंगी वो वर्ल्ड में सबसे यूनिक होते हैं वहाँ के बच्चे। हाय, दिस इज अंजू, वेलकम टू माई मोटिवेशनल जोन। जब भी आपको कोई बच्चा रोड क्रॉस करते हुए दिखे मगर इस तरीके से, ये शायद इसी देश में होता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जापान की। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ बच्चे जब रोड क्रॉस करते हैं तो देखिए किस तरह से वो रोड क्रॉस करते हैं, एंड दे नेवर फॉरगेट टू से थैंक यू। और वो अपने इसी कर्टसी के लिए वर्ल्ड में जाने जाते हैं, उनके इसी मैनर को दुनिया सल्यूट करती है। यही है उनकी खासियत जो दुनिया के सभी बच्चों से उनको अलग बनाती है। वो कभी भी इस बात को नहीं भूलते, और वो भी इतने छोटे बच्चे। अगर हम बड़े बच्चों की बात कहें तो उनमें समझ होती है, मगर जब हम इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि सच में इतने डेलिकेट, इतने छोटे हैं, फिर भी आप देखिए अगर कभी इन्हें अकेले, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, उन्हें कहीं भी अकेले जाने की आदत होती है, और वो जब भी ऐसा करते हैं तो वो कभी भी अपना सिर झुका के थैंक यू कहना नहीं भूलते। दिस इज हाउ दे शो देयर पोलाइटनेस, देयर कर्टसी। अगर हम इन बच्चों के बारे में बात करें तो ये केवल ह्यूमन बीइंग या एक दूसरे के लिए ही पोलाइट नहीं होते, बल्कि ये मशीन के लिए भी बहुत पोलाइट होते हैं। और मैनर्स या सफाई, हाइजीन, ये उन्हें हमेशा केवल इसलिए नहीं सिखाई जाती कि ये जरूरी है, बल्कि ये उनका लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर बच्चे जनरली एजुकेशन या उनकी स्टडी पर ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन जापान के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये वो चीजें सीखते हैं जो जनरली दूसरे देशों के बच्चे नहीं सीख पाते। या यूं कहें कि इन्हें स्कूल जाने से पहले ही इनको घर में बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना, कैसे इन्हें अपने आप को साफ सुथरा रखना है, या अपने घर के आसपास की चीजें बहुत ही सलीके से रखनी है। ये सारी चीजें इनको बहुत छोटे पर से आ जाती हैं। काम भी इंडिपेंडेंटली ऐसे करते हैं बिना किसी के फीलिंग को हर्ट किए, जिससे कि किसी की कोई फीलिंग हर्ट भी ना हो और ये अपना काम भी कर पाए। दिस इज हाउ वर्क सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर और स्कूल को मैनेज करना ये एक साथ सीखते हैं। इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता, ना तो घर में इनकी कोई हेल्प करता है और ना ही स्कूल में, ये अपनी हेल्प खुद करते हैं। सो हाउ वंडरफुल टू सी सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। घर में क्लीनिंग, डिश वॉशिंग से लेकर अपने आप को मेंटेन रखना, साथ ही व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल और वहां जाके अपने क्लासरूम को भी तरीके से रखना और उसको साफ सुथरा रखना, वो खुद ही करते हैं। क्या कहीं किसी दूसरे देश में ऐसा करने को मिलता है? आप लोग देखते हो कभी? कहीं नहीं मिलता। यही है जो इन्हें दूसरे देशों से के बच्चों से अलग बनाता है। एक और भी कारण है, क्योंकि वैसे भी इस कंट्री में मेड या हेल्पर जेंटर्स बहुत कम मिलते हैं, और कोई किसी का काम नहीं करता, सब काम सबको अपने आप करने होते हैं, एज एवरीबॉडी इज इक्वल। यहाँ केवल कहने भर को इक्वल नहीं होते, बल्कि सबका काम भी इक्वल ही होता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा। दिस इज नॉट हैपन इन द स्कूल ओनली, वो घर पर भी अपने पेरेंट्स की या शॉपिंग के टाइम अपने पेरेंट्स की मदद करना नहीं भूलते, वो अपने आप सारे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है ऐसे ही थोड़े वो करते हैं। हम गार्बेज वेस्ट की बात करते हैं तो दे नो वेयर टू ट्रेस, हाउ टू ट्रेस ऑल दीज थिंग्स, कहाँ क्या चीज कैसे डालनी है, कहाँ गंदगी हटानी है, कितना क्या साफ रखना है, अपनी सराउंडिंग्स कैसे नीट एंड क्लीन रखनी है। दे नो वेरी वेल, छोटी छोटी चीजों को वो बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वंडरफुल चिल्ड्रन। चीज उनके कल्चर में दिखाई देती है, और यही एक रीजन है कि जापनीज लोग, जापनीज बच्चे जब वो बड़े बन जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो एक बहुत ही शिष्ट, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल और किसी की रिस्पेक्ट करना कभी नहीं भूलते। इतना पेशेंस होता है उनके अंदर,
जब वो किसी क्यू में खड़े हों और दे हैव टू वेट फॉर समथिंग, बहुत आराम से वो वेट करते हैं, कभी भी अपनी लाइन अपनी क्यू को नहीं तोड़ते। ये सीखना है तो इनसे सीखिए। दे आर नोन फॉर वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो कभी भी अपने रूल्स नहीं तोड़ते, ऑलवेज लुक डिसिप्लिन। यही एक रीजन है कि वहां क्राइम रेट भी बहुत कम है। सो फाइनली आई जस्ट वॉन्टेड टू एड माई लाइन्स कि कोई भी बच्चा बचपन से रूड नहीं होता या फिर उसका बिहेवियर बैड नहीं होता, जो हम उसे सिखाते हैं बचपन में चाइल्डहुड में, वही बिहेवियर उसका बड़े होके जैसा भी शो होता है आपके सामने। सो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा ऐसा है, हमने उसे जैसा बनाया वो वैसा है। Thank you for watching.